यही प्रकरण है ना हिंदी संध। तो हिंदी का व्याकरण, हिंदी का व्याकरण कहां से निष्पन्न हुआ? संस्कृत से। ठीक है, हाँ। और ऐसा नहीं है कि हिंदी का संधि संस्कृत से भिन्न है, वही नियम है, वही सब कुछ है। ये हाँ, ये है, कुछ सॉल्ट कर दिया गया, सरलता का मार्ग ढूंढा गया। हर व्यक्ति सरलता का मार्ग ढूंढता है, तो हिंदी के संधि में सरलता थोड़ा कर दिया गया, बाकी नियम कायदे सब वही हैं, संस्कृत से आए। हिंदी में संधि जानना है या संस्कृत का संधि करना है तो आपको उसी नियम पर चलना पड़ेगा। पहला प्रश्न उठता है कि संधि के भेद, संधि के भेद, संधि की तक, संधि माने जोड़, संधि माने जोड़, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? जोड़ या योग। किसका योग? नहीं, पहले सब नहीं, शब्दों का योग तो नहीं है, पहले ये देखो फिर क्या क्या योग होता है। ये यहां देखिए, संधि के भेद की संधि के भेद कितने हैं? ये पहले तो संधि कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के, थ्री टाइम। एक स्वर संधि और दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। यही है सरलता का मार्ग। आपके सामने मैंने लिखा है तीन शब्दों को, ये भी क्या लिखा है? संधि। और ये क्या लिखा है? तो दोनों में कुछ भिन्नता दिख रहा है, यहां ना लिखा गया और यहां अनुसार लगाया है। ठीक है, तो यही है, अनुसार का प्रयोग हिंदी साहित्य में करने का श्रेय किसको जाता है, ये भी जानना। ये व्यंजन लिखा है ना, यही व्यंजन जब आप संस्कृत में जाओगे तब ऐसा लिखा मिलेगा। ठीक है, ये भी व्यंजन लिखा है और ये भी व्यंजन लिखा है, दोनों भिन्नता है कुछ है। व्याकरण के दृष्टि से कौन सही रहेगा? यही सही रहेगा। ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूं, हो गया है नहीं, ये सुझाव दिया गया था। क्या दिया गया था? सुझाव दिया गया था, क्योंकि नियम को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। सुझाव दिया गया सरलता के लिए, आसानी के लिए, और लिखने में भी आसानी रहे, समझने में भी आसानी रहे, आदमी उसको फट से लिख ले जल्दी से व्यंजन। अब ये व्यंजन लिखा गया, सुनो, अब सरलता और आसानी क्या बोलोगे यार? ये अंक लगाया गया अनुसार, अंक की बिंदी क्या अनुसार, और यहां आधा यह। तो अब ये अगर यही लिखा जाता हिंदी में, लिखा जाता था पहले, किससे पहले? ये सुझाव आने के पहले। तब अब ये ऐसा व्यंजन, अब कोई संधि के जैसा लिख दे तब क्या करोगे? सुनिए, तब क्या करोगे? ये भी तो व्यंजन लिखा है, क्या दूसरा कुछ पढ़ोगे इसको? ये भी व्यंजन लिखा है, ये भी व्यंजन लिखा है, ये भी व्यंजन लिखा है। तब कोई व्यंजन ऐसा लिख देता तब बोला कि यार क्योंकि इंटर को ऐसा लिखते हैं तो हम ये ना के जगह पर आधा आड़ाई लिख लिए, लिख लेते ना। ये तमाम प्रकार के जो है विसंगतियां ना जानकारी में हो सकती हैं। इंटर ऐसा लिखा नहीं जाता है, तो आधा ना का प्रयोग यहां हो रहा है ना, कतरे इंटर,
और ये भी इंटर है, ये भी इंटर है, है कि नहीं है? सुनिए सुनिए, प्रोनाउंसिएशन सबका वही हो रहा, ठीक है? यहां इंटर पड़ा है, यहां इंटर। अब सही कौन है व्याकरण से? इंटर कौन सही है? ये वाला सही, आधारा वाला। फिर व्यंजन कौन सही है इतने व्यंजन में? यहां वाला, ठीक है ना? ये है नियम संस्कृत से, ये जो आया। अब इसको महाशय श्याम सुंदर दास जी, हिंदी साहित्य के नाम उनका एक ही है, श्याम सुंदर दास, ठीक। तो श्याम सुंदर दास जी ने सुझाव दिया कि ये सब कुछ ना करो, नकार को अनुसार से प्रयोग कर दो। नकार को, नकार आ रहा है ना, बैन ना, ना रहे, तो नकार का प्रयोग किससे कर लो? अनुस्वार से। ये श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया। अब ये प्रश्न पूछ ले कि अनुस्वार का प्रयोग का हिंदी साहित्य में सुझाव किसने दिया? चार ऑप्शन, तो कौन? श्याम सुंदर दास, ठीक है? श्याम सुंदर दास, लिखते जाओ अपने पॉइंट को अपने हिसाब से, ठीक है? अनुस्वार के प्रयोग का प्रथम सुझाव किसने दिया था? श्याम सुंदर दास, उन्हीं के सुझाव पर। इसलिए तमाम प्रकार का, तमाम लोग लिखे ना, जिससे बच्चों में, पढ़ने वालों में, पाठकों में भ्रांतियां ना हो, ठीक है ना? कोई कुछ भी लिख दे, बोले ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, यहां ऐसा होता है, तो इसलिए यहां ऐसा होता है, ठीक है? तो ये भ्रांतियां ना हो। वास्तविक नियम क्या है इसका? वास्तविक नियम क्या है? अंतिम वर्ण, ठीक है? उस वर्ग का अंतिम वर्ण। देखो अब ये क्यों सही है? यही सही है ना? इंटर में यह सही है और व्यंजन में यह सही है। घंटा में कौन सही है? दूसरा वाला सही है, ठीक है? और ये भी तो घंटा है, है? ये भी घंटा है, तीन प्रकार से लिखा गया, घंटा, घंटी बजाने वाला। और ये क्या है? गुम्फित, गुम्फित, ठीक है? दिनांक। देखो ये इसका नियम तो सिंपल है, क्या है व्याकरण में, कि जो नकार के पाद का वर्ण है, नकार के जस्ट पाद का वर्ण, उसी के अनुरूप, नहीं अनुसार नहीं, उसी के अनुरूप वो ना रहेगा, उसी का पंचमाक्षर रहेगा, पंचमाक्षर, हाँ बस पंचमाक्षर, उसी का पंचमाक्षर रहेगा। अब देखो यहां गुम्फित है, अब अंग से प्रयोग कर दिया, तो हिंदी में यह सही है, ठीक है? क्यों? श्याम सुंदर दास के सुझाव से यह सही है, लेकिन व्याकरण से यह सही क्यों? क्योंकि यह जो नकार के बाद का वर्ण क्या है? फा है, तो फा का अंतिम वर्ण क्या है? पा, फा, बा, बा, मा, पा वर्ग का है, तो इसलिए मा, तो व्याकरण से यहां यह गुम्फित नहीं सही है, ये सही, यानी अंतिम वर्ण। अब वही आधार यहां भी है, यहां नकार के बाद का वर्ण क्या है? जा। अब जा का अंतिम वर्ण क्या है? चावर का है, चा, छा, जा, जा, इया, इसलिए यहां सही है, समझ रहे ना? तो ये परंपरागत नियम है, अब उसको जो है अनुसार में प्रयोग हिंदी में किया जाता है, और वो सुझाव श्याम सुंदर दास ने दिया था कि नकार को अनुसार से प्रयोग कर लिया जाए, ठीक है? श्याम सुंदर दास को नहीं याद, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे है। हिंदी साहित्य में श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल और प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत आदि को नहीं जानोगे तो क्या हिंदी पाओगे? नहीं भाई, हिंदी को बता रहा, हिंदी में तो प्रयोग हो रहा है, संस्कृत में नहीं होता है।
अनुसार का प्रयोग को श्याम सुंदर दास ने प्रयोग किया। चलो अब स्वर व्यंजन विसर्ग ये संधि के तीन भेद हैं, ठीक है। अब इन तीनों भेद में ये जानना है कि स्वर संधि क्या है, स्वरों का मेल, यहां जोड़, मेल, योग। तो किसका स्वर संधि क्या होता है, स्वरों का, स्वर वर्णों का मेल, शब्दों का मेल नहीं। तो स्वर संधि क्या होता है, स्वर वर्णों का मेल या योग। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन वर्णों का मेल। और विसर्ग क्या होता है, विसर्ग का मेल। सब वर्णों का मेल है, संधि क्या है, वर्णों का मेल, शब्दों का मेल नहीं है। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि है। वर्णों के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है, आ और आ और ई, ई और आ, सब मिलते हैं तो क्या विकार पैदा होता, तो स्वर का ही तो मेल हो रहा है, शब्द का मेल नहीं, स्वर का मेल। इसलिए स्वर संधि में स्वर का मेल, व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल और विसर्ग में विसर्ग का मेल। ये अब देखिए स्वर संधि, अब यहां आपको हिंदी के तहत नहीं, बिल्कुल हम दोनों को बताते रहेंगे। ए सार सार को गई है थोथा दिए उड़ाए, किसने लिखा, कबीरदास जी। सार सार को गई रहा है, जो तुम्हारे काम की हो उसको कैच करो, कैप्चर करो, बाकी छोड़ दो। थोथा जो उड़ा, तुम्हें अगर थोथा लगता है तो उसको उड़ा दो, काम की चीज लगती है तो ग्रहण करो, बस ये चीज। किसी को डीप में जानना है, किसी को ऊपर जानना है, किसी को पासिंग मार्क लाना है, किसी को शतक लगाना है, तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता, जैसा सीखो, हम तो सब बताएंगे। तो स्वर संधि क्या होता है, स्वर वर्णों का मेल। अब स्वर संधि हिंदी के तहत आपको अगर भेद पूछा जाएगा, स्वर के कितने भेद हैं, पांच। स्वर संधि के भेद, संधि के भेद कितने हैं, तीन। स्वर व्यंजन विसर्ग, अब स्वर संधि के कितने भेद हैं, पांच। तो स्वर संधि के भेद में जाएंगे, पांच स्वर संधि के भेद। तो नंबर एक दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा ईयर आयादि, पांच वृद्धि। इतने का तो नाम और सूत्र के साथ जानना पड़ेगा, पांच ही, और बाकी इसके अलावा अगर कोई भी संधि होगा। देखो हिंदी में कितना सरल हो गया, इसके बाद ये तो नियम पूरा जानना पड़ेगा। इसके बाद अगर कुछ है, अगर यह नियम नहीं लागू हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है, तब तो इसका मतलब व्यंजन है, और व्यंजन भी अप्लाई नहीं, अगर कहीं उसमें विसर्ग भी दिख रहा हो तब विसर्ग संधि। बस आपको भेद में खाली ये पांच भेद तो जानना पड़ेगा कंपल्सरी। अगर वही चीज संस्कृत में जाएंगे तो भेद कितना हो जाता है, आठ। कौन बढ़ जाता है, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृत भाव, ठीक, ये तीन बढ़ जाते हैं, बाकी पांच ये यही है जो संस्कृत से ही यहां आया है, ठीक। चलो इन पांचों का नियम से जानने के लिए आपको चार फार्मूले जानने होंगे, नहीं तो नहीं नहीं चार फार्मूला, पांच संधि को जानने के लिए चार फार्मूला तो याद करना पड़ेगा भाई, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम वही फिर बताना शुरू करेंगे, आ आ का आ, और आ ही आएगा तो ये जान लेना, और ये आएगा तो वो जान लेना। कैसे जान लोगे, पता चला 20-20 टाइप के वर्ड आएंगे और वो सब भयंकर जाएगा, पता है कि दूसरे का दूसरे में चला जाए, ठीक है ना। सूत्र उसे कहते ही है नियम पे बांध देना, वो नियम एक ऐसा नियम जो हमें
उस शब्द को परिभाषित कर दे, है ना। तो इसके लिए चार नियमों को आपको जानना है और उसी से आप कर ले जाएंगे। वो चार नियम कहां से आएंगे? पाणिनि के सूत्र से। पाणिनि के सूत्र से, इसको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं और क्या कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र। ठीक, जो संस्कृत पढ़े हैं जानते हैं। अब वो चार सूत्र क्या है? आ ई ऊड़, दूसरा रील रिक, तीसरा ये ओंग और चौथा आए आउच। सही उसको मतलब उच्चारण उच्चारण आई उड़ रील रिक ए ओंग आया ओच। और ये सारे वर्ण स्वर है। क्या है? स्वर है। लेकिन व्यंजन भी देखो, जाकी रही भावना जैसी। अब व्यंजन भी तो दिख रहा है, का व्यंजन नहीं है, अन्ना व्यंजन नहीं है, चा व्यंजन है मतलब ये भी देख रहा है। लेकिन क्या है कि इन्हें अंतिम वर्णों को इस संज्ञक वर्ण कहते हैं, इनको काउंट नहीं करना है। आपको हिंदी का संधि खाली सीखना वो तो नहीं सीखो, ठीक है ना। अब चलो दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में इसका सूत्र क्या होगा और वहीं से हम सब सूत्र को लाएंगे, यहां दस संधि हो जाएगा। हाँ, इसका सूत्र क्या है? बिल्कुल, अकः सवर्णे दीर्घ, ये है। अब देखो, अब इसी सूत्र से ये पूरा दीर्घ संधि हो जाएगा, इसी को अगर समझ लिया जाए और इसी को सबका सूत्र लिख देते हैं, ठीक है, इकट्ठा सबका सूत्र लिख, एक एक को डिफाइन कर देंगे। अकाश वर्ण दीर्घा और गुड़ संधि का क्या सूत्र है? आदगुणा या आदेंगुणा। और यण का क्या है? इको यणच। अयादि का एचो अयवा। वृद्धि का वृद्धि रेचि। ये एक जगह उतार लीजिए, ठीक है ना। अब हम एक एक को डिफाइन करते हैं। हाँ बिल्कुल, पांच को पहले लिखो, फिर हम एक को डिफाइन करते हैं अलग से। लिखो, नोट करो। हाँ हाँ, जो समझ में नहीं आया ना उसको लिख, पूछ कर ही लिखना। तीसरा इको यड़च, इको या आड़ा चापर छोटी मात्रा। चौथा लिखा एचो, ये चापर उप मात्रा आ, ये क्या है? आ, कौन सा आ? छोटा आ, लेकिन छोटा आ ऐसा ही लिखना। इसको कहते हैं अवग्रह। क्या कहते हैं? अवग्रह, यानी छोटा आ है। ये चो अवा या वा। और ये वृद्धि, वृद्धि रेच, एक ही में लिखो वृद्धि रेच। अयर एचो अयवा यावह, एचो अयवा यावह, ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं तो इतना पढ़ो एचो अयवा यावह। बड़ा शब्द हो तो पार्ट करके पढ़ लिया जाता है। कहो भाई एचो अयवा यावह। तब आपको भाव के झमेले में नहीं पढ़ना पड़ेगा कि आ और ई, तब ई हर आवे उ हर आवे, तब कैसे हुई, क्या हो जाएगा, वो सब नहीं। इस फार्मूले पर सब आपके संधि पांचों क्लियर हो जाएंगे। हाँ, समृत बंद, बंद बंद मुंह बंद करके समृत, समृत बंद। विवृत, समृत का विलोम क्या होगा? विवृत। तो समृत माने बंद, विवृत माने खुला।
हाँ कौन सी ई यड़ वाले में इको यड़च मिटाया। चलो इसको स्वर संधि को समझते हैं क्या होता है और इस सूत्र का रोल क्या है। मिटाया जाए ना नहीं कहा कर अरे वतने महाभारत है नौवा सुनी के कुछ लोग का घबराहट होता है इतना नहीं है। चलो ठीक अब ये देखो ये चार सूत्र है खाली ना और संधि कितना समझना है पांच और सब कठिन नहीं आई उड़ रील रिक ए ओंग आयोज क्या प्रयोग है। अब यहाँ आया है दीर्घ संधि में आपका हाँ क्या आया है अकाह तो अकाह कहां से हम लाएंगे क्या देखेंगे आ से लेकर के काका तो ये हो गया अक ऐसे लिखेंगे अकाह से हम बनाएंगे अक और अक क्या है प्रत्याहार अक प्रत्याहार। अब अक प्रत्याहार में कौन कौन गण आएंगे अब ये बाण कौन आएंगे आ ई ऊ और देखो आड़ा जो है इत संज्ञक है हलंत लगा है जिसमें आधा है वो इत संज्ञक है और वो खाली संज्ञा बनाने में प्रयोग किया जाएगा और सूत्र में प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अब वर्ण कौन कौन से हैं आ ई ऊ री और लिरी इतने बार आ रहे हैं देखो इतने बार आ रहे हैं आपको सीखना है हिंदी की संधि ठीक है सीखना है हिंदी की संधि। अब हिंदी ने क्या किया कि री और लिरी को जबकि री हिंदी में भी स्वर है और ली हिंदी में स्वर है ही नहीं और संस्कृत में ली स्वतंत्र स्वर माना जाता ला पर री की मात्रा लिरी नहीं है अगर ला पर री का मात्रा लगाना होता तो फिर री या तो रहे या तो फिर लिरी रहे नहीं ये लिरी स्वतंत्र अक्षर स्वतंत्र स्वर माना जाता स्वतंत्र स्वर लेकिन हिंदी में अब देखो आ ई ऊ इतने से ही आपको हिंदी में संधि सीख जाएंगे लेकिन अक का मतलब क्या हो गया आ से लेकर के कातर और कितने अक्षर आते हैं पांच तो पांच वर्णों की संधि है ये हो गया अक। और उसके बाद सवर्णे सवर्णे का मतलब क्या हो गया समान वर्ण अक के अक प्रत्याहार के यानी यही पांच वर्ण के समान वर्णों का मेल दीर्घ हो जाता है दीर्घ माने बड़ा दीर्घ माने बड़ा हो जाएगा। अब समान वर्ण कर लिया जाए अब पहले है क्या वहां क्या है आ चलो आ अब आ के समान कौन वर्ण होता है आ ही होता है और छोटा छोटा मिला के अब अगर कहीं बड़ा आ और बड़ा आए तो तब भी बड़ा होगा है ना हाँ यानी असमानता है ना और अगर छोटा प्लस बड़ा हो तब भी बड़ा और बड़ा प्लस बड़ा तब भी बड़ा छोटा छोटा बड़ा कुल मिलाकर के समान वर्णों का मेल दीर्घ हो जाता है दीर्घा माने दीर्घ और दीर्घ माने बड़ा और बड़ा मतलब बड़ा छोटा छोटा बड़ा 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 छोटी 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 बड़ी और बड़ी बड़ी बड़ी
सबका समान बाण। देखो अब ये हो गए छोटा, छोटी है प्लस छोटी ई है, क्या हो जाएगा बड़ी। अब अगर बड़ी ई प्लस छोटी ई होता तब भी बड़ी ई ही हो। अब ज्यादा लिखने की तो जरूरत नहीं, समानता दोनों में, चाहे छोटी छोटी हो चाहे बड़ी बड़ी हो, चाहे बड़ी छोटी हो चाहे छोटी बड़ी हो, ठीक होगा बड़ी, यही समानता है। फिर छोटाऊ है तो छोटाऊ प्लस छोटाऊ बड़ाऊ। अब अगर बड़ाऊ बड़ाऊ होता, अगर ऐसा होता बड़ाऊ, अब अगर ऐसा होता बस, तो छोटाऊ छोटाऊ बड़ाऊ चाहे बड़ाऊ बड़ाऊ बड़ाऊ, कुल मिला करके दीर्घ हो जाएगा, हो गया। अब री री है री री का मेल भी हम ही अलग कर देते हैं, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से री प्लस री भी रहेगा तो क्या हो जाएगा दीर्घ री, हाँ दीर्घ री दुल्ठूरी, हाँ ये दो दो मात्रा है ना ऐसे, और लिरी लिरी का लिरी जो वेदों में प्रयुक्त है, ठीक है लौकिक साहित्य में नहीं है। अब आपको हिंदी के द्वारा दीर्घ संधि जानने के लिए खाली कितने अक्षरों का प्रयोग में लेना है, अ ई उ। अब आ छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, यानी छोटा जो है दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, छोटा और बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, लेकिन कुल मिला के अक्षर कितने हैं तीन, उसी का ह्रस्व है और ह्रस्व वाला दीर्घ का भी प्रतिनिधित्व करता है, ठीक यही अक्षर है, इन्हीं का मेल है और यही है दीर्घ संधि। हाँ दीर्घ संधि, अब एग्जाम्पल देखेंगे है ना। क्या शब्द लिखा है देवासुर, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा देवदान ना असुर, असुर क्यों देवदान असुर, असुर आसुर नहीं असुर देव में क्या निकला देव, और सारे व्यंजन वर्णों में छोटा आ तो छिपा है ना, सात सभी व्यंजन वर्णों में छोटा है तो देव अ आ यहां प्लस आ यहां मिलाकर क्या होना है तो बड़ा है यहां देवा, वा पराग मंत्र वा बड़ा हो गया देवाशु, ठीक है। देवालय क्या हो जाएगा देवदान आलय, यहां आ और यहां बड़ा, तो बड़ा और छोटा मिलाकर भी क्या होगा बड़ा आ ही होगा, ठीक है। और छोटी छोटी जैसे गिरीश क्या होगा गिरे गिरी, और गिर माने गिरना, और गिर माने पहाड़, गिर माने पहाड़, सार्थकता भी होनी चाहिए, गिर माने पहाड़, और धन ईश, ईश माने देव है ना, पहाड़ के देवता, तो यहां क्या निकला छोटी और यहां बड़ी, समान वर्णों का मेल हो रहा है तो छोटी और बड़ी मिला के क्या होना है बड़ी, तो बड़ी का मात्रा हो गया गिरीश है ना। वैसे हरीश है तो हरिधन ईश बराबर क्या हो जाएगा हरीश है तो हरी धन ईश, यहां छोटी और यहां छोटी बड़ी मिला करके बड़ी, तो यहां बड़ी का मात्रा है हरीश में है ना। छोटा हुआ है जैसे बानुदय, संधि करेंगे क्या हो जाएगा
भानु, हाँ भानु भानु कहेंगे तो दो वचन हो जाएगा, तो भानु भानु भानवा, तो भानु सही शब्द क्या है? हाँ छोटाऊ भानु और धान उदय। अब यहाँ छोटाऊ निकला और यहाँ छोटाऊ, देख रहे समझ रहे ना, यहाँ ऊ निकल रहा है ना, छोटाऊ यहाँ और छोटाऊ यहाँ, मिलाकर क्या होना है? बड़ाऊ। अब बड़ाऊ यहाँ हो गया है, भानु बड़ाऊ है ना, भानु उदय हो गया। अब री का प्रयोग संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है, तो संस्कृत में है तो कैसे होगा? पितृ धन ऋणम, ठीक। अब देखो यहां भी री और यहां भी री, क्या हो जाएगा? दीर्घ री। अब पितृणम ये शब्द बना, पितृणम पिता का ऋण है, पिता का ऋण पितृणम। अब ये शब्द बना पितृणम, रीरी का दीर्घ री, वैसे लीरी का दीर्घ लीरी, ठीक है। तो ये है दीर्घ संधि, क्या है? दीर्घ संधि में तीन वर्णों का खाली संधि है। कुछ शब्द लिखिए और कीजिए, शब्द हम बता रहे हैं, देवार्चन तुरंत करो, देवार देवार्चन देवधान, क्या क्या आ रहा है छोटा छोटा, हाँ ये बताओ हमको क्या क्या आ रहा है? देवधन अर्चन, अर्चन माने पूजा, देव की पूजा, ठीक है। और शब्द देवागमन क्या हो जाएगा? एक छोटा और एक देवधन आगमन, देव का आगमन आना। और महात्मा बड़ा बड़ा, महाधन आत्मा हो जाएगा महात्मा। योगींद्र, योगींद्र योगी योगींद्र ऐसे शब्द कह रहा हूं, योगींद्र योगी योगी नहीं। देखो सार्थकता थोड़ा सा, देखो एक चीज ध्यान देना संधि में, आपका एकदम सही रहेगा, खाली शब्द की सार्थकता। अब वो सार्थक शब्द योगी नहीं, योगी क्या? योगी, योगी धान इंद्र, क्या यहाँ आ रहा है? बड़ी। और यहाँ कुल मिलाकर के समान वर्ण है, तो समान वर्णों का क्या होता है? दीर्घ। आकाश वर्ण दीर्घ। अब देखो समान वर्ण भाई, समान वर्ण आएगा, ये चीज कंफ्यूजन हो जाए दीर्घ संधि में। ये चीज अगर नाम बताएं तो अब इतने खाली बता दे, समान वर्ण आएगा तो दीर्घ, तो समान वर्ण में इसका मतलब ये आएगा, वो आएगा, है? आए आए आएगा, ये सब तो नहीं आना है ना। बस क्या समान वर्ण आएगा? सिर्फ तीन, आई ओ, यही समान वर्ण आएगा तब दीर्घ होगा, और वो शब्द नहीं आने वाले हैं। वो कहाँ आएंगे, तब कौन सी संधि होगी, वो आगे देखेंगे, ठीक है ना। समान वर्ण खाली यही तीन आएगा हिंदी में, संस्कृत में ये चार आएगा, ठीक है। हाँ लिरी, हाँ पांच लिरी, लिरी का लिरी पांचों आ जाएगा, लेकिन हिंदी में कितना आएगा? तीन, यानी छोटा छोटी छोटाऊ या बड़ा बड़ी बड़ाऊ, इतना ही संधि है दीर्घ संधि, ठीक है, मिटाया जाए। अब आपको खाली अका सवाड़े दीर्घ, दीर्घ संधि कहो ही मत, दीर्घ संधि कहने की जरूरत ही नहीं है, खाली आप अका सवाड़े दीर्घ, तो दीर्घ माने दीर्घ संधि, सवाड़े माने समान, अका माने प्रत्याहार, और वही अयुण रिल एवंगली चार सूत्र, बस हो गया आपका संधि। हाँ तब आपको वहां दिक्कत नहीं रहेगी ढूंढने में कि क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, और शब्द की सार्थकता। जैसे योगी वाले में योगी कह देवो, छोटी कह देवो, तो वो निरर्थक शब्द हो जाएगा, और निरर्थक के बाद आप गलत हो जाएगा आपका। चलो गुण संधि को देखते हैं, आप प्रत्याहार में कौन कौन बढ़ाते हैं? आ ई उ री और लिरी, ये भी मिट गया था, अभी मिटाना नहीं उसको, इसलिए लिखा हूं। चलो दीर्घ के भेद देखते हैं, ओ गुण के
गुण संधि। सूत्र क्या लिखा जाए? चलो आध गुणा भी लिखेंगे, आधे गुणा भी लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे तो थोड़ा समझ में आ ही जाएगा। ठीक, आध गुणा है या आधे गुणा क्या होता है, ये उस सूत्र से क्या ताल्लुक इसका भी है। देखो अभी तक हमने देखा कि समान वर्ण आते थे तो क्या हो जाता था, दीर्घ, अकर्ष वर्ण दीर्घ का देखा, तो समान ही क्या आएंगे हमेशा। अब ये तो प्रश्न खुद ही पैदा होता कि भाई समान ना आए तब तो इसका मतलब असमान आए, क्या आएगा असमान। तो इसका डिफिनीशन आप लिखेंगे आ या आ, अभी दोनों का प्रतिनिधि ने छोटा खाली लिख दिया आ या आ, आ या आ के बाद यही है आध गुणा। अब दा संज्ञक है, आ मेन रोल है आटा गुड़ होना। अब आधेंग को भी समझेंगे, अभी आ के बाद असमान वर्ण, असमान वर्णों के मेल से। ठीक, अब ये आधेंग को भी अब डिफाइन कर लिया जाए तब लिखा जाए। आधेंग का संधि विच्छेद करते हैं तो यहां हम ले लेंगे आद, देखो आद, और ये देखो आद ऐसा निकाल लिए। अब उसके बाद बचता क्या है, एंग, क्या बचता है, एंग, यही बचता है ना, आद धन एंग हलन एंग। ठीक है, आद धन एंग, अब क्या हो जाएगा, एंग क्या है और आद क्या, देखो आद क्या है, आद तो यहां पहले से है, आद का मतलब मैंने लिख दिया कि आपके बाद असमान, समान था तो दीर्घ था, अब असमान भी आएगा, अब किस में आएगा, इसी प्रत्याहार में, अक में ही, अक प्रत्याहार में ही आ के बाद असमान वर्णों का मेल, मेल से क्या, नहीं मेल से एंग। अब एंग क्या है, देखो ये एंग यहां दिख रहा है, एंग मान लग ए और द्विअक्षर तो है, यंग प्रत्याहार में क्या आएगा, ये और वो, अंगों को लिया नहीं जाएगा, ये वो मूल रूप से क्या आएगा, ए वो, तो एंग मतलब यहां लिख देते हैं ए वो के मेल से ये वो होता है, हो जाता है या होता है। छोटा सा डिफिनेशन, इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ भाई, आ के बाद समान अगर आता तो असमर्ण दीर्घा होता, अब आ के बाद असमान भी आएगा, अब असमान में आ के बाद आओ आई जाए तो नहीं, देखो प्रश्न बनता है आ के बाद आओ, लेकिन नहीं, इसी इसी अप्रत्याहार में ही आ का समान वर्ण, आ के बाद समान वर्ण, नहीं इन वर्णों का समान वर्ण, तो समान वर्ण में आ का समान आ ही है, ई का समान ई है और ऊ के समान ऊ है, तीन को जाने, और उसके बाद री के समान री था। अब यहां आ के बाद और दीर्घ में आपने देखा तीन ही का दीर्घ बनता है हिंदी में, तीन का दीर्घ हिंदी में बनता, और गुण संधि में इन्हीं वर्णों का असमान भी होगा, तो असमान होगा किसके बाद, आ के बाद ही, तो अगर यहां आ है पहले तो आ के बाद दूसरा असमान आएगा तो क्या आएगा, ई, आ के जस्ट बाद अगर आएगा कोई तो ई, अगर ई आता है तो हमने कहा है एंग हो जाता है, एंग होता तो यंग में क्या एओ, तो एओ जब होता है तो आ और ई जब दोनों बगल में है तो पहले इसका मतलब क्या होगा, ए हो, आई का ए, और आ के बाद अब ई आ चुका है तो दूसरा क्या आएगा, ऊ, आ के बाद ही आना है तो ऊ भी तो आ सकता है, और ऊ आएगा तो ये के बाद वो हो जाएगा। ठीक नहीं, अब हिंदी वालों ने सरल किया तो री का काम दीर्घ में नहीं लगा, री का काम गुण में कहा भाई इसको लेना पड़ेगा, इसे इसको भी ले लो, अब री को गुड़ वाले ने ले लिया, री के बगैर काम नहीं चल रहा था, सॉल्व करो सॉल्व करो,
अब उससे ज्यादा साल्ट नहीं जब किया जा सकता तो उसको लेना पड़ेगा री वाले ले वाला, ये भाई हमको दो, इसका भी जरूरत पड़ता है, ठीक है, इसकी जरूरत हमें पड़ती है तब। तो ये तो मूलता ये हो गए। अब री का जब आके बाद फिर री भी तो आ सकता है, तब क्या होगा, और क्या हो जाएगा, और आरी का और। अब पाई पार दिया हमने, और यहां पाई पार दिया इसका मतलब हिंदी में आपको इतना ही सीखना है, बिल्कुल वो लिखूंगा मैं, हाँ जिसको जिसको लिखना होगा वो लिखेगा। अब आके बार री आता है तो आके बार री भी हो सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा अल। तो कुल खैक्टर कितने बन रहे हैं, चार गुणन खंड है, जिसमें हिंदी वालों को तीन गुणन खंड जानना मस्ट। ये तीन हम बताए चारो भाई, तीन तीन देखो, तीन को जानो। अब तीन का आई का ए, आउ का ओ, आरी का अर। अच्छा मैं कहता हूं कि अगर कहीं आ और ई आ जाए तब क्या होगा, देखो विकार जहां होता है वो स्वर का विकार है, और स्वर के विकार का जो रूप बनेगा वो वही बनेगा, इसीलिए हमने एक लिखा है खाली, चाहे वो छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो, दोनों का ये होना विकार में एंग होना, क्या होना एंग, यानी ये और ओ। आ ई रहेगा तब भी ए, आ ई रहेगा तब भी ए, आ ऊ रहेगा तब भी वो, बड़ा बड़ा ऊ रहेगा तब भी, ठीक है, यही होना है। चलो किसका नहीं भाई, एंग होना है तब दीर्घ क्यों करोगे, नहीं हो, नहीं हो सकता, वो होगा तब वृद्धि हो जाएगा, वो जिसमें होगा उसमें बताएंगे, इसमें नहीं होगा, इसमें आई का ये होना है, तब चाहे छोटा आ और छोटी ई हो, चाहे बड़ा आ और बड़ी, ठीक है, यहां आए नहीं होना है, ये और वो ही होना है, और आरी का अर होना है। चलो प्रूव करो इसको, जैसे महेश विच्छेद करेंगे क्या, सुन लो अभी इसको लिखना मत, ऐसे मैं थोड़ा समझाने के लिख लिया, महादान ईस मैं लिख रहा हूं ईस, देखो बात समझिए खाली, ऐसा सार्थकता का नियम बस आप खुद करोगे, मह ये मह क्या होता है और इस क्या होता है, निरर्थकता है, अगर सार्थक क्या होगा, देखो हमें यहां मह दिख रहा है, या दूसरा नहीं दिया, मह दिख रहा है और इस तो दिख ही नहीं रहा, खैर ये मात्रा के नाते हम इस निकाल लिए, ठीक, लेकिन ये दोनों निरर्थक शब्द है, दोनों की सार्थकता महा में इसका है और इसका ईस में, ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है, बड़ा आ और यहां बड़ी ई, मिलके क्या होना है ये, अब ये इस ये दोनों मिलाकर ये यहां हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब देखो इसका बड़ा आ कहां चला गया, ये में, और इसका बड़ी ई कहां चला गया, भाई यही दोनों मिल करके ही तो ये बने हैं, ये बड़ा और बड़ी का मेल ये कहलाया, और ये यहां दिख रहा है महेश, हाँ पर एक मात्रा यही ये तो आया, महेश हो गया। अब इसी आधार पर अगर हम करें तो सुरेश का विच्छेद क्या हम सूरा करेंगे, सुरमाने देवता होता है वो सूरा, सूरा सुंदरी नहीं होता ना, निरर्थकता, तो यहां सार्थक क्या है, सुर, सुर क्या है, सार्थक सर, और प्लस ईश भी सार्थक, ईश माने देवता भगवान, तो अब यहां क्या निकला, आ और यहां बड़ी, अब आ और बड़ी ई का क्या होगा, कुल मिला करके जो मूल में है आधार में है, आधार क्या है, आ ई, और आ ई होना ए है, चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए चाहे बड़ा आए चाहे बड़ा हुआ है, ठीक है ना, छोटा जो आधार में है वही, और उसका जो विकार हो रहा है वो ये हो रहा है और वही माना जाएगा, आई का ए, तो
तो सुरगन इज सुरेश, सुरगन इज सुरेश, आई का ए, और ये कहा गया, ये प्रॉपर एक मात्रा, ठीक है सुरेश। अब आऊ का वो कैसे होता है भाई, यो देखो महा महोत्सव पहले लिखो तब संधि किया जाए, है ना। अब महा एक शब्द दिख रहा है सार्थक शब्द यहां महा, और दूसरे तरफ क्या दिख रहा है उत्सव दिख रहा है, उत्सव त्योहार है ना। अब यहां क्या निकला आ, और यहां ओ, आ ऊ का क्या होना है दूसरा फैक्टर आ ऊ का वो, अगर ये बड़ा ऊ होता तब क्या होता, तब भी वही होता ना ओ। तो अब ये वो जो हुआ है यहां दिख रहा है ना ओ, हाँ पर वो मात्रा के रूप में यहां प्रकट हो रहा है महोत्सव महाधन उत्सव महोत्सव। टेट में पूछा था एक बार गंगोदक, लेकिन संस्कृत में पूछा था गंगोदकम, क्या पूछा था गंगोदकम। अब संस्कृत में जब पूछेगा तो संस्कृत वालों को व्याकरण के नियम से पढ़ना और समझना जानना होगा, हिंदी में तो चल जाएगा अनुसार से, ऐसा शब्द था नहीं, दोनों में लिखता हूं। अब संस्कृत में जब पूछेगा तो इसी गंगोदकम को ऐसा लिखेगा, यही शब्द तो ऐसा लिख देगा गंगोदकम, सेम वही चीज। अब दोनों का विच्छेद भी नियम क्या होगा, वही नियम जो ये है देखो। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा गंगा, गंग खाली तो नहीं होगा ना, गंग क्या, चलो गंग क्या नियम ऐसा नहीं है, गंगधन में उदक लिख रहा हूं इसका कर रहा हूं, तो इसका क्या होगा गंगधन उदक, इसको लिखिएगा नहीं समझने के लिए। यहां आ नहीं निकल रहा है, देखो आ यहां निकल रहा है ना, छोटा आ निकल रहा है आ, और यहां सुनो यहां आ और यहां ऊ, और आ ऊ का क्या होना है वो, तो बात तो बन रही है एक ऑप्शन में आपके ये रहेगा, अगर दे दे कि गंगोदक का सही विच्छेद तब ये ऑप्शन ये भी रहेगा, तब सुनो तब आपको क्या देखना है, इसे था संकेत में ऐसे दिया था एक ऑप्शन ऐसे था, तो अब यहां आपको गंग, तो गंग क्या है भाई, जबकि गंगोदकम में गंग चंद चंद वर्णन की महिमा, सुनो चंद चंद वर्णन की महिमा कभी गंग ने लिखा है, अब उस गंग का तो यहाँ उपयोग है नहीं, ये तो कुछ अलग अर्थ दे रहा है, गंगा का जल क्या दे रहा है गंगा का जल, तो यहाँ गंगा कर लो, यहाँ उदक माने पानी या जल, गंगा का पानी। अब यहाँ हुआ आ और यहाँ हुआ ऊ, आ ऊ का और वो यही दिख रहा है आधा पर वो मात्रा वो, गंगा का पानी उदक माने पानी गंगोदक। तब चरणोदक का क्या होगा भाई, अगर चरणोदक हो जाए तब चरण धन उदक, आ यहां और ऊ क्या आऊ का वो, तो चरणोदक, चरणोदक माने चरण का, अच्छा अचरणामृत हो जाए तब क्या संधि विच्छेद होगा, बस ऐसे समझना है भाई, कुछ नहीं करना है। किसी ने कहा है कि दीर्घ संधि, किसने कहा है, बहुत सही कहा है। अब इसका संधि विच्छेद आपने किया होगा कि चरण और अमृत दिख रहा है, चरण दर, अब यहाँ आ दिख रहा है और यहाँ भी आ दिख रहा है, कुल मिला के बड़ा आ हो रहा है, चरणा यहाँ बड़ा आ दिख रहा है, तो क्या हो गया दीर्घ संधि, चरणामृत में दीर्घ संधि लेकिन चरणोदक में गुण संधि, क्योंकि यहाँ विकार आ ऊ का हो रहा है वो, ठीक है बस शब्दों को समझना और सार्थकता को समझना, बस चरणोदक हो गया गंगोदक। अब देखो ये अगर शब्द है तो इसका विच्छेद क्या होगा, देखो जैसा शब्द जैसा देश वैसा वेश, उदकम, तो भाई
अब इसका भी संधि विच्छेद हो गया। नियम क्या है? वही सेम। यहां आ देखो, यहां अच्छा, यहां पूरा कौन है इसमें? नीचे वाला, मतलब इन दोनों में वो नीचे वाला क्या है? पूरा। बस सिंपल सी कहानी है, फंडा है कि भाई मैं हूं जैसे, अब मैं यार अपने से बड़े को तो सर पे नहीं बिठा पाऊंगा, कंधे पे नहीं बिठा पाऊंगा, मुझसे छोटा होगा तो बैठ सकता। तब यार जब ये बड़ा है तभी तो इसको सर पे बिठा रहा है। द पूरा अंगा आधा गंगा तन उदक, गंगा का पानी, बात वही ही संस्कृत में ऐसा विच्छेद रहेगा उदकम, और हिंदी में रहेगा तो गंगा तन उदक, और अनुसार से काम चल जाएगा क्योंकि प्रयोग होता है और हो रहा है। अवता ओ, अब भाई री के बिना काम नहीं चल रहा था, क्यों? हिंदी में री को भी लेना पड़ा, हिंदी में, और दीर्घ संधि में नहीं लिया गया, दीर्घ संधि में जरूरत नहीं थी, लेकिन गुण संधि में अवॉइड भी नहीं कर सकते थे, बोले हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि उन्हें तमाम शब्द जो है परेशान कर रहे थे, देवर्ष महर्षि है ना, सत्तर, ऐसे शब्द जो थे, बस बस इतना है, बाकी आप लोग खुद बताएंगे, पर नियम को जानना है ना। चलो तीन में तो समझ जाएंगे नियम को, इसका यहां देव दिख रहा है तो देव को निकाल लो, देवा नहीं करेंगे, देव से हमारा काम हो जा रहा है, देव एक सार्थक शब्द दिख रहा है, और उसके बाद आर दिख रहा है, विच्छेद करने से पहले थोड़े शब्द को पढ़ेंगे, देव अ र राधा, क्योंकि इसी के सर पे बैठा है, साग के सर पे रा बैठा है तो राधा है ना, यहां भी तो हमने लिखा है राधा, जो अर राधा, तो देवर अर सी अर अर अरी अर, और यहां देवर सी अर आना चाहिए, तो देवधान ऋषि, और यहां आ और यहां री, आ और री का क्या हुआ? आ आधार अर। अब अर ये है, ये अर कहां आया? देखो आ यहां वा में छिपा है, और रा ये आधा अर, देवर्ष आरी का अर, ये तो क्या होगा? ये देव हुआ है उतने ही मात्रा है, देख लो सेम प्रोसीजर है इसका लिखने का, वा के बाद सापर छोटी मात्रा, हा के बाद सापर छोटी मात्रा, यही तो है, लेकिन फिर भी विच्छेद में सार्थकता को देखते हुए, वर्ण शब्द की सार्थकता को देखते हुए हम इसको महाखाली नहीं लिख सकते, महा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि छोटा और री हो तब अर होता है, और अगर बड़ा और री रहेगा तब भी अर होगा, इसलिए हम शब्द की सार्थकता को भी देखेंगे। महाधन ऋषि, ऋषि महाधन ऋषि क्या हो गया? अब यहां आ और यहां री, और आरी का अर, और अर यहां दिख रहा है, महर महर, सी को अगर ना कहो पहले तो अर आएगा, महर अर, उसके बाद तो सी कह लो ना, छापर छापर छोटी बात रहा, सी महर सी अर्ध है, इसमें नहीं रहेगा, आप यही कह रहे हो, यही कह रहे हो आप, है ना, आप ये कह रहे हो, तो यहां आ नहीं मिल रहा, आर आर यहां से आ रहा है, ये धा असंयुक्त अक्षर है, धा और धा या के साथ मिला हुआ है, ये पढ़ा क्या जाएगा? अर्ध, अर्ध माने आधा, अर्ध माने आधा, तब इसका संधि विच्छेद जब करोगे तो ई का या हो सकता है और कुछ दूसरा नहीं, यार संधि होगा, ठीक है ना, इसमें नहीं आएगा, ई का या अधिधन अधिधन, अब या क्या होगा?
आधी, अब आधी ई हो गया अवधान या, अब या और ये रा कहां से आ, आधी ही तो विसर्ग का रा हो जाएगा तो आधी, अब ई का या हुआ, ई या नहीं आ आ समझ तो आ, आ अब ई का या हो जाएगा, ई का या हो जाएगा और विसर्ग का रा हो जाएगा, ऐसे तो यार संधि में जाए इसमें नहीं आए, ठीक है। हाँ हाँ बोलो, उपसर्ग भी पूछ सकता है तो उपसर्ग उसमें आदि उपसर्ग है, बाकी अर्ध आधा वो ए, वो एक प्रकार से रूढ़ शब्द है, क्या है रूढ़ शब्द, कुछ आयादि संधि को एकदम संस्कृत में प्रयुक्त है हिंदी में रूढ़ शब्द के अंतर्गत वो आते हैं, ठीक है। शब्द व्युत्पत्ति है, शब्द का निर्माण खाली है, सप्तर्षि इसमें क्या हो जाएगा सप्तधन ऋषि, सप्तमान है सात ऋषि आरिता और संधिविच्छेद कर लेंगे, कर लिए होंगे मेरी समझ से, ठीक है। तो गुरु संधि में और करो भाई, जलोर में करो है, जलोर में क्या करेंगे, जल एक शब्द साफ दिख रहा है, उसके बाद धान ऐसा ऐसे हो, हाँ जगैया छोड़े हर काम करे, ठीक है ना। ये भेद भी पूछ लिया करता, ये भेद जो है छटाओ, ये ऑप्शन देगा छटाओ, कुछ नहीं कर पाओगे अगर शब्दों की सार्थकता नहीं जानेंगे तो, यहाँ देखेंगे आ और यहाँ देखेंगे ऊ, खाली अगर ऊ होता थी आ ऊ का क्या होगा, और वो तो यहाँ है तब कहोगे यार छोटाऊ रहे, छोटाऊ रहेगा कि बड़ाऊ रहेगा, ये कंफ्यूजन, जहां उर्मी आएगा वो बड़ाऊ ही रहेगा, उर्मी क्या है गुरु माने धारा, जल की धारा, जलोर में है ना, समुद्रोर में, समुद्रोर में हो जाए तो समुद्र धन ओर में, तो समुद्र में भी तो धारा होता है, इतना ऊंचा ऊंचा उठता है ना धारा, तो गुण संधि क्लियर। और शब्द लिखेंगे कुछ, बहुत है ना, बहुत है वृद्धि, चलो देखो लिख लो लिख लो, अब इसके अंतर्गत भाई कि कोई ये ना लिख लेना कि चार अमृत को भी आपने बताया था उसी गुण संधि में, है ना, बहुत और एग्जाम्पल, अरे क्या यार मिटा दे उसको, आप लिखो लेकिन उसको अंडरलाइन की, ऐसा होता है तो दीर्घ हो जाता है, उसमें क्या मिटाने की, इतना आज यहाँ आप जो है एक संधि को अलग नहीं कर पाओगे तो डेढ़ चौक का 600 ऑप्शन में से छाटना है, 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन और पांच विषय एक साथ एक दिन दो घंटे में, फिर यार वही तो बात है, तो इतना जब अपने बुद्धि को तर्क शक्ति को इतना मजबूत आप आज नहीं रख सकते हैं अगर, तो फिर वहां कंसंट्रेशन आपका कैसे बन पाएगा, मेरे कहने का ये परियोजना भाई, मैं वो दहला नहीं रहा हूं भी हेतु नहीं कर रहा हूं, बस एक ये इतना कि इतनी तर्क शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, आप ना ही लिखा तो कुछ भाई चला ठीक 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 है, देखे भाई हम मूल चीज लिख लिया था भाई मैं, ठीक ठीक सही है। अभी ऐसा ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम अगर जानी थे तो बार बार रिपीट पुनरावृत्ति, अभ्यास का बहुत महत्व है, अभ्यासेन तु किम न वर्धते, निश्चय ही तुम्हारे निश्चय ही अभ्यास से क्या नहीं बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है उसका विलोम, अनाभ्यासम विषम शास्त्रम, बिना अभ्यास के शास्त्र विष के समान होता है, तो अभ्यास तो जरूरी है, पुनरावृत्ति जरूरी है।
तो भूले भूलने ना पाए। चलो सब लिख भाई, लगभग सब सब लोग देख रहे हैं हमारी तरफ, तो इसका मतलब लिख चुके हैं, है ना। कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना कहीं से कुछ, नहीं ना, बस समान वर्णों का मेल क्या होता है। ए, समान वर्णों का मेल और असमान वर्णों का मेल, आस प्रत्याहार में असमान वर्णों का मेल वही कहा जाएगा, असमान वर्णों का। हाँ आगे भी यह समान रहेगा, लेकिन अब दीर्घ और गुण का उसी एक ही में है, ठीक है, वो एक ही प्रत्याहार में है, आगे भी यह समान है, लेकिन वही तो चीज है, तो वो उसका और नियम तो आगे देख रहे हैं ना। हाँ वर्तमान में जो जिसको बताया उसी तो पूछ रहा हूँ। चलो किसका नंबर है अब, चलो यार यार सूत्र क्या है, इको यारच यही है। अब उधर करो चार, देखो चार सूत्र उसी का प्रयोग है, हाँ भाई हाँ यही हम। अब बताइए, अब दिक्कत है कुछ, अच्छा चलो इको एच में देखो क्या करना है। ये पहले देखिए यहां क्या दिख रहा है, जो अंडरलाइन हमने किया इक, अब इक यहां निकालेंगे, यहां कैसे निकालेंगे, इक हमें यहां देखना है, ई यहां दिख रहा है, ई से लेकर के काप, ये तो है, तो ई से लेकर के काप कोण बढ़ाएंगे, इसका मतलब वहां अक था और यहां ई था, यानी आ को खाली हटा दिया जाए, आ को और आ को हटा दिए तब क्या बन गया, इक, आ को हटा दिए तो क्या बन गया, इक। अब ई ऊ री लि, इसका मतलब यण संधि मात्र यही चार है, ई ऊ री लि, और लि भी काहे का, जब लिरी हिंदी में स्वर है ही नहीं है तो इसका मतलब ई उ री, बस ई उ री तीन का है, ठीक है। अब तीन का संधि है ये, एक प्रत्याहार में तीन अक्षर जो अंडरलाइन उधर दिख रहे हैं, अब उसके बाद ये अंडरलाइन जो दिख रहा है ये क्या है, इसका मतलब आप यण संधि ना भी कहो तो काम चल जाएगा, इको यड़च बोल के, इको यड़च माने यण संधि आप बोल रहे हैं, एक प्रत्याहार में यण संधि होता है, ठीक है, एक प्रत्याहार में यण संधि होता है, तो अब एक प्रत्याहार कहां आएगा ये देखना है। ई ऊ और री यही तीन हैं, बस अब ई कहां आएगा और ये एक प्रत्याहार के बाद कहां आएंगे, प्रथम पद में कहां आएंगे, प्रथम पद में आएंगे, यानी ई ऊ री जो है ये प्रथम पद, ठीक। अब उत्तर पद, उत्तर माने बाद, अब बाद वाले पद में क्या आएगा, जो मर्जी आए, असमान वर्ण आए, हाँ असमान वर्ण मतलब वही स्वर वर्ण, स्वर का ही वर्ण आएगा, क्योंकि स्वर संधि है तो स्वर आएगा, असमान वर्ण कोई भी आए लेकिन प्रथम पद में ई ऊ री ये अपेक्षित है। अब तो क्या हो जाएगा, ई अगर आया तो ई का या,
और उ का उवा और री का, और अगर लिरी भी होता तो ला। देखो ई उ री लिरी और यहां रहा है यारा लावा, यारा लावा ये क्या है अर्थवर अंतस्थ व्यंजन, हिंदी साहित्य में क्या है अंतस्थ व्यंजन, यानी यह अंतस्थ व्यंजनों की संधि है ना, यारा लावा की संधि है। लेकिन हमें सीखना है यहाँ हिंदी के तहत तीन को जानना है कि इका या उका वारी का र, इका या, अब इका या उका वा रिका रा इसको चार बार कहेंगे, तीन शब्द है और अक्षर है, शब्द क्या है अक्षर इका या उका वा उ वा ए दंतोष्टो वा दंतोष्ट हुआ वा उ जैसे उ वैसे वा उ वा उतना मुंह बनाना पड़ता है उ वा करने के लिए वा ठीक। और ई या और ईचू यशा नाम तालू या है ना, ई या ई का या ई आएगा पहले पद में या हो जाएगा, देखो पैसे प्रतिधान ए। अब हमने उत्तर पद में कहा कुछ भी आएगा जो आएगा वो रहेगा, स्वागत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रथम पद में आएगा अगर तो उसी में परिवर्तन होगा क्योंकि इक का ही परिवर्तन होना है। देखो अब प्रति में क्या आ रहा है ई, तो जब ई आ गया तो ई का क्या करना है और ये का क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ये रहेगा, हमें खाली ई को या बना लेना बस। आप देखो जब हम ई का या बनाएंगे तो ता प्लस, देखो इधर ध्यान से ई ता प्लस ई बराबर क्या होगा ती, नहीं इस ती को हम वहां डिवाइड कर रहे हैं अलग, अब हमें ई का या बनाना है तो जब ई को हम यहां या चलो बराबर इसी के बराबर हम यहां आ रहे हैं कि ता प्लस ई को क्या बना लिया जाए ई का या ना, अब या कर लिए, अब नहीं सुनिए अब ता और या को मिलाना है ठीक है, तो जो पहले नहीं जो पहले है वो क्या होगा आधा हो जाए, तभी भी संयुक्ताक्षर में जितने भी संयुक्ताक्षर हैं चाहे वो का प्लस सा बराबर श होता है, तो अब इन दोनों में कौन पहले आएगा तो ये क्या होगा आधा होता, क्यों ऐसा है क्योंकि जो पहले आता है उसको हम पहले बोलकर आगे बढ़ जाते हैं तो उस पर भार कम पड़ता है, बलाघात कम पड़ता है, और जो पीछे है उसी पर बल पड़ता है, छ छ है ना कौश ऐसे ता प्लस रा बराबर त्र, अब त्र र रा बाद में उसी बल पूरा पड़ा यानी आ को लेकर के रा है, आ को रा लिया है और ता क्या हो गया आधा, उसी प्रकार यहां है, अब ता और ई मिलाकर के तो ती हुआ है यहां, अब हम ई का या बना रहे हैं तो या बनाकर यहां देख रहे हैं कि अगर ई का या जब बना लिए तो ता और या मिलकर क्या बन जाएगा त्य, ता हो जाएगा ऑटोमेटिकली त्य हो गया, ता और या मिलाकर के त्य, अब यही काम यहां कर लेते हैं तो प प्र पहले क्या है प्र पा में र, बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत लोग ऐसा हमने अध्यापकों को भी देखा नहीं ध्यान नहीं देते पामा आधा रा जबकि है नहीं पामा आधा रा दसाउना परसन प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं वो आगे चल के दिक्कत देता है, वास्तव में प्रश्न, अब प्रश्न को भी बोलने से पहले क्या करना है अगर कहना भी है इसका उच्चारण वर्तनी शुद्ध तो क्या करेंगे पामा आधा रा है नहीं आधा रा ठीक है, और जो अगर असुविधा हो रही है कि आधा पा और रा कहने पे तो बालक तुरंत प्रश्न करेगा कि पा आधा पना है पूरा तो कहा तो आधा ठीक है,
लेकिन हमने कहा जो ऊपर वो आधा नीचे है, तो पूरा नीचे राही है वो पूरा है। लेकिन पा, अब इसको अगर उच्चारण करना है, बच्चे से कहलवाना, खुद भी समझना है, तो जल्दी करना, तो पा में र, पा में र, आधा कुछ नहीं, हम आधा किसी को नहीं बोले, तो पा में र, प्र, पा में र, प्र। अब ये इसको लेकर, तो ये क्या बन गया यहाँ, क्या बना क्या? भाई ये तापर छोटी मात्रा जो था वो क्या बन गया, त्या। तो त्या ही खाली लिखते हैं, और ये का कुछ भी नहीं करना है, ये को ये ही मिला दो, ये का मात्रा बन गया, और उसके बाद आका लिख दो, तो प्रतिदिन एक ई का या प्रत्येक हो गया, ठीक है, प्रत्येक। और इति धन आदि क्या बन जाएगा, बस अब ती का तो क्या बनेगा, ती का क्या बनेगा, क्या आधा ता और या, ती का या जब बना रहे हैं और एक साथ दोनों एक साथ मिले हैं, तो हम दोनों को एक साथ मिलाएंगे, मिले हैं तो मिलाएंगे, आधा ता या हो जाएगा। अब ये बन गया इत्यादि, ये आ में कोई परिवर्तन हुआ, यहां ये था तो ये का ये रहा, यहां आ है तो आ का आ ही रहा, देखो ये आदित्या खाली बना और आ पर आ और दी, वो तो पूरा है ना, इत्यादि इति धन आज बराबर इत्यादि। और मधु धन आरी क्या बने, उसी नियम से, अब धा में ओ है तो यहां ई था तो ई का या यहां बना लिए, और यहां ऊ है तो ऊ का क्या बनाएंगे, यहां ऊ का वा बनाएंगे, तो ऊ का वा बनेगा तो क्या हो जाएगा, ऊ का वा बनेगा तो आधा धा और वा एक के मिलेगा धो, हाँ तो ध्व ध्व, और ये आ इसमें ऑलरेडी मिला है, ये छोटा आ है इसमें ऑलरेडी है, तो दो नहीं लिखेंगे, फिर क्या री खाली बच रहा है, मध्वरी हो गया, मधुधन अरे क्या हो गया, मध्वरी है महर्षि। अब देखो महर्षि को आप खुद तोड़ो, महा धन ऋषि आ री आरी का अर वो हो चुका, आरी का अर गुण में, आरी का ये ऊ का वो, आरी का अर गुण संधि में, हाँ वो गुण है, इसमें कहा आएगा, यहां री का रा, ध्यान दीजिएगा यही कंफ्यूजन होता है, यही री का रा वाले में, जैसे अभी महर्षि आपने कहा नहीं, क्योंकि यहां भी री को लिया गया है और गुण में री को लिया गया है, ये कंफ्यूजन दे देता है, जब आप इस नियम को बड़ा पखर वो करके देखो, तुरंत विच्छेद करो, पक्ष को देखो, इस पक्ष में कौन, पक्ष में क्या है, चलो इसका एग्जाम्पल लिखता हूं, इसका एग्जाम्पल कौन सा, मधुर को, इसको प्रतिधान एक, प्रतिधान एक, पहले पक्ष में क्या आया है, ई, पहले पक्ष में लास्ट में, क्योंकि संधि बीच में ही तो होगा, स्वरों का मेल होना है, तो क्या आया है, ई, ई का क्या बनाना है, ई का ही या बनाना, ई खत्म या आएगा, या ई का लोप या का आगमन, ई का या, अब ई को जब या बनाए तो क्या बना, ई खत्म हुआ या बना, यहां देखो ये ती है कैसे, ता और छोटी ई बराबर ती, ता और छोटी बराबर ती, अब हम यहाँ ता और पलट छोटी ई को क्या बना लिए, या, यहाँ जो लिखा वही हमने कर लिया, ई का या, तो हमने ई का या यहाँ बना लिया, अब ता और या मिलाकर क्या बना, त्य, तय नहीं होगा त्य, क्योंकि मिलाना है एक में, अलग अगर करोगे तो ता और या, इसलिए हालत रहेगा, और ता और या अगर ऐसे करो तो तय हो जाएगा, ठीक है, तय हो जाए, जबकि अगर यह भी ऐसा होता तब हो जाता, अगर यह ता और ई मिलके अगर तय होता तब यह भी तय हो जाता, लेकिन ये ता में ई मिला हुआ पूरी तरह से, इसलिए इसको भी मिला देंगे, जोड़ देंगे, तब जोड़ेंगे तो पहले वाला आधा हो जाएगा, बाद वाला पूरा हो जाएगा, क्या, तो
उसी प्रकार से ई का या बनते हुए त्या हुआ और ये हाँ ये का मात्रा है और का है, समझ में आया, प्रत्येक हो गया। हाँ बिल्कुल, जब एक ही स्वर एक अक्षर पे होता है, ये एक ही अक्षर जब ये दोनों मिला तो ता में समझो कुछ नहीं है, स्वर यही ती तो ये इसमें कुछ नहीं। अब जब ये लगेगा तब ये अब स्वर आ गया तो बलाघात मिल गया, वो हलंत नहीं रहेगा, स्वर है ना, दो अक्षरों के पहला आधा हो जाता बाद पूरा, और स्वर से ही उसका रूप बदलता है। और एक व्यंजन में एक ही स्वर तो हो सकता है कि तो छोटा रहेगा या तो बड़ा रहेगा या तो बड़ाऊ रहेगा, दो मात्रा तो एक अक्षर पे लगाएंगे नहीं, तो ऊ का वा यहां हुआ है, ये तो समझ में आ रहा है, ऊ का तो ऊ है छोटाऊ, और छोटाऊ का क्या हो गया है वा। अब वा जब बना देखो, छोटाऊ का वा बन गया है और ये आधा जो है क्या हो गया है आधा, क्यों आधा हुआ है, क्योंकि धा और छोटाऊ जब मिलाएंगे, धा प्लस छोटाऊ बराबर हुआ धू, हुआ। अब धा प्लस छोटाऊ और ऊ का वा बनाना है तो ऊ के जगह पर वा कर दिए, अब ये दोनों जोड़ेंगे तो धा आधा हो जाएगा ध्व ध्व, तो यही ध्व यहां लिखा हूं, और ये छोटा आइस वा में मिला हुआ है ऑलरेडी, और अरे तो मध्वर शब्द बना, ठीक है, ऊ का वा, ई का या, ऊ का वा, और री का रा होना है, इसको भी देख लो, पितृ धान आज्ञा, ठीक, यहां यहां क्या है री, आगे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होना है, बस संधि में बस पहले पक्ष को देखो, अगर ये पहले पक्ष में आ रहे हैं तो उसी के अनुसार हो जाए। री का क्या होता है, री का रा होता है, सीधा सीधा री का रा हो जाना, तब री यहां है, अब री का रा बनाना है तो पे, और री का रा तो क्या हो जाएगा त्र, री का क्या बन गया र, अब यहां री था, यहां क्या हो गया ताउरा त्रा, यह लिखा ताउरा त्रा, तो ताउरा त्रा, और ये क्या होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसको जब मिलाने आएंगे तो बड़ा को ऐसा लिखते हैं एक पाई से, बड़ा का मात्रा हो गया और क्या लिख दिए, क्या हो गया पित्राज्ञा, क्या हो गया पित्राज्ञा। उसी प्रकार से मातृदान आदेश अगर होता, बिल्कुल हो जाएगा मात्रा देश, यहां क्या हो रहा है देख रही है ना री, और री का क्या हो रहा है रा, रा री का रा, और यहां री का रा, तो पितृ मातृ, अब यहां री था यहां रा हो गया, यहां मातृ देश नहीं है, ये मात्रा सीधा त्रा कह रहे हैं, सुनो यहां त्रि कह रहे हैं और यहां त्रा कह रहे हैं, यहां री कह रहे हैं यहां रा कह रहे हैं, पित्रादेश या पित्राज्ञा सेम शब्द हो गए, ठीक है। अब तब ये कंफ्यूजन कहां होता है, उसमें गुण में यण में, यण में देखो पक्ष को जानना, और ये जानने के लिए आपको मैं यहां बता रहा हूं, देखो इसी सूत्र को खाली याद रखना हो जाएगा आपका काम। देखो वो उसी चीज को हमने कुछ मिटाया नहीं है, है ना, बस हमने थोड़ा सा अलग किया, मतलब एक ट्रिक के रूप में आपको समझने के लिए, इक्विवेलेंस लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। अब अंडरलाइन को देखिएगा, ई का या, अब इसको इसकी टोपी थोड़ा सा काटा हूं मान के ना चलो, तो ई का या नहीं, इको यड़च याद रखो, और उससे यह निकालने के लिए ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है
अंडरलाइन को देखो, ई का बस थोड़ा सा आपको हिंट मिलने के, ई का या तो ई का या तो ऊ का रीका रा लिरिका ला सब मिल जाएगा ना, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए है ना। हाँ बड़ी आएगा तब भी या, बड़ा हुआ आएगा तब भी हुआ, समझ रहे हो ना। हाँ एग्जाम्पल में और लिख लो यार के एग्जाम्पल में, लिखो देवी, सद विच्छेद बोल रहा हूं, देवी देवी है धन आगमन, बड़ी पूछो इसलिए हमको बताना जरूरी हो गया तुरंत ना, देवी धन आगमन बना लिए। यह क्या है ई, मैं तो ई कहता हूं, अब ई ई हो चाहे ई छोटी हो चाहे बड़ी, तो यहाँ क्या है ई बड़ी है ना, तो ई का क्या बनाना है यही होता है, पहले पक्ष में ई आया है इसलिए या होना, तब क्या हो जाएगा दे और वी, अब देखो ई का या बनाएंगे तो आधा वा हो जाएगा या हो जाएगा दे वी का दे वी का दे तो ई का य तो वी का व्य ई का य तो वी का व्य ठीक। अब ये देखो आ क्या है आ, तो आ को ई मात्रा लगा लो, सब कुछ वैसे लिख लो, यानी पढ़ी ही आएगा तो या ही होगा, ई का या और ऊ का हुआ दिव्यागमन हो गया। और शब्द करो कुछ हाँ बोल, हाँ क्या हो जाए, हाँ हाँ क्योंकि मात्रा उसमें मिला ही रहेगा, तो जब मात्रा मिला है तो जो अक्षर बनेगा वो भी मिल जाएगा उससे। हाँ हाँ भाई मैं कहता हूं आप जो पूछ रहे हो उसी को बता रहा हूं, ये मिला है कि नहीं बताओ, तामे छोटी मिला है कि नहीं बताओ, ये तामे छोटी मिला है, यहां धामे छोटाऊ मिला है, तो जब ये छोटाऊ मिला है तो वा भी मिल जाएगा तो ध्वा हो जाएगा, बस इतना ऊ का हुआ ई का या ऊ का हुआ री का रा, तो यहां यहां भी मिला है तो यहां भी मिल गया। देखो ए ता मेरी मिला है, ता मेरी मिला है इसलिए यहां ता मेरा भी मिला है, जब मिला है तो मिला रहेगा, अलग होता तो अलग होता, दिव्यागमन तो हुआ। अरे भाई ई है बड़ी ई है निकल रहा है निकल रहा है, और ई का होता क्या है, ई का क्या होता है ई का, यहाँ क्या लिखा है ई का इको एड़च और ई का या, दोनों बात इसको कह लो ई का या इको एड़च, इको एड़च कहोगे तो यड़ संधि निकलेगा और इक निकलेगा, इक प्रत्याहार में यड़ होता है, सूत्र का मतलब कि वो सारे चीजों की व्याख्या कर सके है ना, तो जिससे आपको आसानी हो जाए, तो ई का या तो ऊ का हुआ री का र, तब जब यहाँ ई का या हुआ है तो ई का या कर लिए, अब वा और या एक में मिलाओगे तो क्या हो जाएगा भाई जी, तो समझ में नहीं आ रहा, तो कोई चीज यह है ना। आते भाई देखो ई का या यहाँ इतना हम बारीकी से बताए तो क्या दिक्कत, ई वा और ई मिला करके वी बना है, ना ही समझ में आओ तक आते तो वा प्लस ई ए जे नाई कहा किए कहीं सी भाई नाई समझ में आया, देखो नहीं देखो वा प्लस ई क्या हो गया, वा प्लस ई बराबर क्या हुआ वी, वो वा प्लस बड़ी ई बराबर वी, दोनों मिलकर वी, अब वा और बड़ी ई का क्या बन जाएगा या, छोटी हो जाए बड़ी क्या बनना है या,
ई का या बनाना है तो अव्वा और या एक ही जब मिलाओगे तो व्या नहीं हो जाएगा। तो यहां व्या हो गया और ये बड़ा आवीज में आकर के मिल गया तो देव व्या का मन हो गया। अब समझ में आया यड़ के शब्द लिखो सख्यागमन 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 क्या हो जाएगा सखी धनागमन सखी सखी धनागमन सख्यागमन अन्वेषण अन्वेषण माने लिखो अन्वेषण करो कुल मुझे या तो इस पर लिखा नहीं समझ पाते या तो लिख करके उसको बताओ हमको ये कल लिखेंगे नहीं छोड़ो हम कैसे मान ले क्यों कहा तो आधा अधूरा बात कहोगे तो गलत हो जाएगा ना। अन्वेषण लिखो अन्वेषण माने क्या खोज इन्वेंटर अन्वेषण क्या खोज करने को थे ना अब वो अन्वेषण लिखो अन्वेषण को संरक्षित करो गुरुबोधन अन्वेषण गुरुबोधन चलो दो शब्द और करवाता हूं अन्वेषण अन्वेषण ऐसे खोज वाला अन्वेषण और क्या कहेंगे उसको देखो ऐसा जहां दिखे आप तुरंत जान लो कि ये वा हुआ है वा किससे होता है ऊ से ऊ का वा हुआ होगा तब अब इसी में पूछेगा यादव जी कम लिखो ज्यादा समझो इसमें पूछेगा कि उपसर्ग बताओ अन्वेषण में उपसर्ग बताओ तब निकालोगे जब संधि का नियम जानोगे तब तो क्योंकि ये अनु अर्थात ऊ से ही वा हुआ होगा। अब जब ऊ से वा हुआ होगा तो हम अनु को जब निकाल लिए तब बचा क्या है इसके पास खाली ये सर बचा है एशर यही बचा है तो हो तो गया संधि विच्छेद अनुदान एशर बराबर अनुवेशर ऊ का हुआ ऐसे होगा अनुदानेश्वर गुरुवोदन गुरुवोदन लिखो हाँ गुरुवोदन शब्द लिखो गुरुवोदन बद्ध्वागमन बद्ध्वागमन हाँ गुरुवोदन बद्ध्वागमन देखो सब गुरुवोदन बद्ध्वागमन अब इसका संधि विच्छेद देखो बस थोड़ा जान लेना जरूरी है जानोगे तो सब सब कर ले जाओगे। अब देखो गुरुवोदन में क्या दिख रहा है यहां हमको वा दिख रहा है और वा इसका मतलब कहीं ऊ से ही हुआ होगा हा? और कहां ऊ जाएगा देखो गुर पहले रा को पढ़ रहे हैं क्योंकि सर पे है उसको हम पहले देखेंगे गुर वोदन तब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा गुरु ओ छोटा ऊ गुरु अब गुर हो गया तो अब ऊ से तो वा बना है हा? और ये रा यह दे रा ये रा है तो गुर धन ओदन मानेगा हाँ चावल भात भात अब देखो तो क्या हो गया ऊ का यहां ऊ जब निकला तो ऊ का क्या हो गया और वा यहां दिख रहा है ऊ का वा अब क्या ऊ का वा गुर गुर ओदन अब ऊ का वा हो गया तो क्या हो गया गुरु अब ये वो तो ऐसे है ये वो में कोई परिवर्तन है जैसे का तैसा चलो बद्ध्वागमन को करो बद उदान आगमन बधु खबर है ना स्त्री लिंग में बधु ही होगा अच्छा कारण ऊ का वा छोटा ऊ रहेगा तो वा होगा बड़ा ऊ होगा तब क्या होगा तब भी वा होना है छोटी रहेगा तब या होगा बड़ी रहेगा तब भी
तो जब ये बधु है तो बधु में क्या निकला, बड़ाऊ, और बड़ाऊ का क्या होगा, बड़ाऊ का। अब देखो बधु तो उच्च बड़ाऊ का वा बना, अरे बागर बन गया हमको वा समझना भाई, अपने मन से बन गया वा। अब देखो ऊ का वा बनाओ, अब धा और वा एक ही मिलाओगे तो क्या होगा, ध्व, यह दो ध्व, और ये आ को खींच के लाओ मात्रा चढ़ा दो, बाकी सब गमन लिख दो तो बद्वागमन हो जाएगा, बधु का आगमन, बधु का आगमन। क्लियर है? अयादि को भी, अयादि को देखो, आया दिखा इस बार, आया दि संधि बराबर नहीं चल रहा है, बराबर अयादि संधि, अयादि संधि का सूत्र क्या है, ऐसे इसको जूम करके लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं एक जगह पर, एच ओ ठीक है, एचो अयवा यावह, ये सूत्र। समझिए इसको, यच पहला शब्द क्या दिख रहा है यहां, चलो यच को अंडरलाइन करते हैं, यच, यच कहां से लेंगे, हमने कहा आपको इसी चार सूत्र से ही बताना है, ये से लेकर के चा तक ना, यही तो यच है, ये से लेकर के चा तक, इसका मतलब एच, यच क्या है, प्रत्याहार है। अब यच प्रत्याहार में कौन वर्ण आएंगे भाई, ये वो और आए, आओ, ये चार ही, ये चार अक्षर का संधि है, एच ओ एव आया हुआ, बिल्कुल संस्कृतिया में तो कुछ नहीं करी, एच ओ एव आया हुआ, ठीक है, जो संस्कृत में नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लें इसको, जहां दिक्कत हो बताना, ठीक है, एच ओ एव आया हुआ में एच प्रत्याहार, एच प्रत्यय ये से लेकर चा तक, जैसे आ से लेकर का तक, तो ये से लेकर चा तक, यच पहले लिखा हमने, यच पहले देखा, यच में अक्षर निकले हैं ये वो आए औ, ए ओ आए औ। अगर इसको चलो ऐसे लिखे, ये है पक्षांतर कर लो, ए आए ओ, ये हो गया पक्षांतर, यही है ना, सीरियल से हो गया, ये आए वो आओ, वही तो लिखा वहां, ये आए वो आओ, पक्षांतर हो गया। अब देखो यहां क्या होना है ये देखना है, यहां कुछ भी नहीं है, एकदम इसी सूत्र से निकाल लेना है सबको, यचो खत्म, एचो मतलब यचा है, यचा मतलब यच प्रत्याहार वहां है, खत्म, यच वर्ण हो गए, ठीक। अब क्या देखना है आपको, ये से क्या बनने वाला है, ये का आ अव्या, पहले जो है वो पहले लिया जाए, तो ये का आए, यार आए कहां लिखा है, ये छोटा आ और ये छोटा आ ही है, इसका नाम है बाद में आने वाले, नाम लिख लेना इसका, अभी पूछ सकता है अवग्रह,
क्या नाम है अवद्रा, संस्कृत वाले तो खास करके जान लो हिंदी में प्रयोग होता है लेकिन उसको हल्के में लेते हैं, उसको मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। अवद्रा इसका नाम है और ये कभी भी, सभी लोग समझो इसको, कभी भी ये आ है। अब आप ये प्रश्न कर सकते हो कि तब कौन जरूरी रहा ये कुल बवाल करे कहीं ऐसे काहे नहीं लिख दिया रहो, है ना। बोल सकते हो कि जब यह आ लिखे हो तो यह आ लिखे को दिक्कत रहा, लेकिन दिक्कत है यह नियम है, क्या है, जब बीच में आएगा तब आका अवग्रह हो जाता है। किस संधि में, संस्कृत वाले बताओ, आका अवग्रह किस संधि में हो जाता है। पूर्व रूप में, कापी पलट के बताओ तो। देखो ए आया ओ, पूर्व रूप में क्या बताया हूं, पहले पूर्व माने पहले ये वो आए तो पूर्व रूप, और बाद में ये वो आए तो पर रूप। यहां पहले आया है कि बाद में आया, पहले वो आ गया ना, छिपा है तो आ अव दूसरे नंबर पर क्या है वहां, या तो पक्षांतर किया हो ना सरलता के लिए, और वहां क्या है दूसरे नंबर पर, यहां तो हो का क्या होगा, यही दूसरा वाला आओ वो का, इसलिए क्योंकि वहां यहां हमने पक्षांतर कर लिया। अब इसको भी बताऊंगा आप करने के पीछे कारण, ठीक है। आओ ओ का आओ, अब आ छोटा या से आऊंगा आओ, ठीक। अब चलो देखते हैं, ये यहां से ले रहे हैं तो ये क्या है, बड़ा आ है कि नहीं है, ये बड़ा आ हुआ, बड़ा आ का मात्रा है, तो बड़ा आ से लेकर के और या तक ले लो तो क्या पढ़ेंगे भाई, बड़ा आ और या आए, वहां क्या है पहले आए, दूठू वही है ना आए, तो आए का क्या हो जाएगा, आए का आए, तीसरे नंबर पे आए आया। अब उसके बाद इस बड़ा आ को और इस वा को ले लो, क्या हो गया आओ आओ। अब आओ का किसका होगा लास्ट में, आओ का आओ, बस। अब ये चीज हिंदी व्याकरण से पढ़ोगे तो तब आपको वर्णों का फेद वो आ और ई का आई ओ का ओ नहीं समझ में आएगा, वो गलत कर जाओगे। ये नियम है, देखो ये का है। अब हमने यहाँ पर पक्षांतर इसलिए किया है कि आपको देखने में सरलता, समझने में सरलता। देखो ये अच्छा, इन दोनों में क्या है अंतर, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या संबंध है, हाँ छोटा बड़ा का अंतर है, क्या अंतर है, ये छोटा भाई इसी का, ये बड़ा भाई, ये दोनों सहसंबंधित है और ये दोनों भी सहसंबंधित, ठीक है। और इस आयादि संधि में चारों संबंधित है, ठीक। अब ये छोटा है, ठीक है, ये छोटा है तो यहां भी छोटा है, यानी छोटा मतलब आए, छोटा मतलब आए, और ये आए है तो यहाँ आए, बड़ा आए का आए, ये का आए, आए का आए, वो का आओ, आओ का आओ, सिंपल। अब बस चार अक्षर का संधि है, अब अयादि संधि जो सबसे कठिन लगता है और वो अक्सर कंपटीशन में पूछते हैं क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होगा, और ये नहीं गलत होना चाहिए, ये भी नहीं गलत होना, ये नहीं मतलब ये भी। देखो कैसे, एग्जाम्पल कोई भी शब्द रहेगा लेकिन जैसा मैं बताता हूँ उसको इसे घाट लगा के रखना, उसी का प्रयोग करना तब नहीं गलत, बताता हूँ उसको इसे घाट लगा के रखना उसी का प्रयोग करना तब नहीं गलत होगा, नहीं तो हो जाएगा गलत। शब्द लिख रहा हूं मैं, लाइट बहुत चल रहा है, बंद तो कह रहे थे यार, फिर भी देखो क्या लिखा है, पवन नहीं पवन लिखा है। चलो अब पवन का संधि विच्छेद करने से देखो, ये जो है ये हिंदी में प्रकार है,
लेकिन शब्द व्युत्पत्ति संस्कृत में भी प्रकार, संस्कृत में शब्द व्युत्पत्ति का प्रकार है, यहां शब्दों की सार्थकता से कोई मतलब नहीं कि पक्षों की सार्थकता देखनी है, ठीक है, सार्थकता का नियम नहीं है, व्युत्पत्ति का नाम, व्युत्पत्ति मतलब उत्पन्न, शब्द की उत्पत्ति। हाँ, अब उत्पत्ति इसका कैसे बन रहा है देखो, इसको पढ़ो, पवन, अब पवन मत पढ़ो, सुनो ना को मत पढ़ो, खाली पव पढ़ो, क्या पढ़ोगे, पव, अलग अलग है ना, पव पव अव पव, अब देखो इसी पास से आ ले लो, आव आव बोलो, अब आव कहां से होगा, वो से होगा, तो पापर अगर वो लगा दिए तो हो गया पव, पो से ओ से आओ तो पो से पव, वो से आओ तो पो से पव, वो का अव होता है तो पव। अब जो बचा वो लास्ट में कर दो अगला पक्ष, प्लस इसे आ ले लो इसे ना ले लो, आना अन पवन हो गया, अन पवन। अगर यही शब्द सेम हो तब शब्द, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि शब्द की सार्थकता होनी चाहिए, पवन माने हवा और पवन माने पूत पवित्र, पवन माने पवित्र, शब्द सार्थक हो लेकिन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है उस आदि संधि से, तो ये देखना। अब देखो पवन हो गया ना, ये ना को छोड़ो, पहले इनको पढ़ो, पाव, अप्पा को छोड़ दे, आव, आव कहा है ये, इसका मतलब आव आव अर्थात पव, अगर अव का आव तो पव का पाव। अब आगे जो बचता है क्या बचता है, आ यहां से ले लो, आ आना बस हो गया, पावधान क्या हो गया, पावन, ए पावन धरती पर, पवित्र धरती पर, ए पवित्र, चलो इसी बार पवित्र करेंगे, पावन माने पवित्र का ही संधि छेद कर डालो, इसी टाइप से पावन माने पवित्र का संधि छेद, देखो देखो यहां भी जो भी वो कह रहे हैं उनका सही है, सही है, देखो यहां भी उतना ही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, इसका पहले वर्गीकरण देखो मैं बता रहा हूं, पा और धन वा धन ई धन त्र, कुछ गलत होगा तो बताना, इसी का योग ये लिखा है, पा धन वा धन ई धन त्र, मतलब पा और रा भी कर सकते थे, हमने संक्षिप्त किया है, कुछ सरल किया। अब देखो भाई तो पहले क्या पढ़ेंगे, पव, तो पव ई तो बाद में भले पहले लगा लेकिन बाद में ही तो पढ़ा जाएगा, वा पर छोटी, वा पर छोटी, ठीक, तो पहले पढ़ेंगे पव, क्या है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं भाई है, देखो पहले पढ़ेंगे पव, अब ई तो है ये, जैसे इसमें क्या था, देखो इसमें आ था, इधर देखो इसमें आ था, इसमें ई है, फर्क कितना है, इसमें आ था, इसमें आ था, इसमें ई निकल रहा है, स्वर तो कुछ ना कुछ रहेगा, अगर जिसमें कोई स्वर नहीं है उसमें कौन सा छोटा तो समझ रहता है ना, तो पव, अब क्या हो गया, पव माने, पव माने अव, पव माने अव, अव माने ओ, तो पो कर दो, अब धन जो बचता, अब यहां आ नहीं, यहां ई, ई उत्र, इत्र, इत्र, ठीक है, पवित्र हो गए। अब जैसे जो पूछे वो पूछता है ना, पावक, और पूछता है नाविक, ऐसे सब प्रश्न पूछे जाते हैं कभी, अरे अगर थोड़ा नियम जान गए तो कितना भी कहां से जानून से खोज कर लाएंगे कि शब्द क्या लाओगे, हम नियम जानते हैं, हम कर लेंगे, क्यों भाई नियमों तो मेरा है। और एक बात, और दूसरी चीज आयादि संधि,
कहवा है यार, इतना बड़ा सूत्र, इतना बड़ा नाम, फिर यार क्या कंफ्यूजन। मैं तो जानता हूँ चार अक्षरों का संधि है ना, खाली चार अक्षरों का संधि, और चार अक्षर नहीं सीख सकते हैं भाई। चार अक्षरों की संधि, चार सूत्रों की संधि क्या है? कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान देने की बात है। नाभिक पावक को करेंगे, पावक में क्या दिख रहा है, लास्ट वाले को बाद में देखेंगे। पाव और पाव भी नहीं, आव 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 आव, यानी पापा आव का फल दे दो तो आव अपने आप आएगा। तो पाव हो गया, अब बच क्या रहा? जब पाव से पाव हो गया तो आ यहां है और का यहां है, अक पावक हो गया। पावक माने आग, नावे। ओ, अब पहले देखो, पहले क्या पढ़ेंगे? नाव, नाव पढ़ेंगे, एक तो बाद में है। नाव आव आओ, ऐसे सीधा सीधा नाव आव आओ, आओ से आ हो जाएगा तो क्या होगा? नाव धन दो, ऐसी नाव से कितना बना भाई? नाव बन गया, नाव से नाव। अगर आओ से आओ तो नाव से नाव। अब नाव बन गया, बचा क्या? एक खाली बचा है और एक को बचा दो, लगा दो तो नाव धन एक नाव, ठीक है। नयन क्या हो जाएगा? नयन आय, अब आय कहाँ है? ये न पर एक मात्रा ने धन अन हो जाएगा, सिंपल। हाँ ठीक है, आया थी ब्रेक, चलो अब जाए दियो, हाँ ना करे अब तुम आके आए बता देंगे। हाँ ठीक है, बैंजन को जला देंगे, बैंजन को